राजस्थान में इस बार मानसून की खासी मेहरबानी देखी जा रही है। प्रदेश में अभी तक बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिले पानी में डूबने की कगार पर हैं। बारिश के पानी से सड़कें लबालब हो गई हैं। वहीं लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। इस वजह से लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बारिश का ऐसा रूप राजस्थान में कई सालों बाद देखने को मिला है, जब प्रदेश में झमाझम बारिश पड़ रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अभी कोटा समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया हुआ है। गांधी सागर डैम में जो पानी का रिलीज किया जा रहा है, उसकी सूचना मिलने के बाद रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। निचले क्षेत्रों में जो आइडेंटिफाइड एरियाज थे, उन सभी में हम स्वयं भी घूम रहे हैं और मुनादी हमने कल से चालू करवा रखी है कि जो निचले लोअर लाइंग एरियाज में रह रहे हैं लोग, वो स्वयं के स्तर से मूव कर जाएं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा उन क्षेत्रों में आश्रय स्थल भी चिन्हित किए हुए हैं, उनमें पूरी फैसिलिटीज़ भी रख रखी हैं। जो लोग दूर नहीं जाना चाहते हैं, वो उन क्षेत्रों में शिफ्ट भी कर रखे हैं। साथ ही साथ हमने अपने लोगों की टीम भी लगा रखी है, वो ये देखने के लिए कि कोई व्यक्ति कहीं पर फंसा तो नहीं रह गया है। ये सब चिन्हित करने के बाद में अभी निरंतर हमारी अनाउंसमेंट की कार्रवाई जारी है और हम स्वयं भी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। कोटा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस वजह से प्रशासन निचली बस्तियों को खाली कराने में लगा हुआ है। राजस्थान मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश के चलते 13 साल बाद गांधी सागर के 5 गेट खोले गए हैं, जहां पर 97,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। प्रशासन ने चंबल नदी के डाउन सिस्टम से निचली बस्तियों को खाली करवाया है। निचली बस्तियों में लगातार पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बस्ती की स्थिति ये है कि पानी चढ़ता हुआ जा रहा है, लोग फंसे हुए हैं, निकल आधे फंसे हुए हैं, आधे ऊपर है, अभी तो बढ़ता हुआ पानी जा रहा है और अभी पानी खोलने को और पानी खोलने को पानी खुलने की आशंका है। कितने घर यहाँ पे जो डूब जाते हैं? यहाँ कम से कम 500 घर है। जिला प्रशासन की ओर से सभी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और नगर निगम कोटा की रेस्क्यू टीम और आला अधिकारी निचली बस्तियों पर नजर बनाए हुए हैं। लाउडस्पीकर की सहायता से लोगों को निचले इलाकों में नहीं जाने के लिए प्रशासन आग्रह कर रहा है। कोटा बैराज से पानी की अत्यधिक निकासी होने से कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। न्यूज डेस्क।